हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस पेन स्टॉक के बारे में बात करूँ, 5 रुपये का पेन स्टॉक है। और ये जो स्टॉक है, ये जो न्यूज़ चैनल चलाता है, ये मीडिया सेक्टर को बिलोंग करता है। और ये इसके अंदर बहुत सारे न्यूज़ चैनल चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो News24 इसके अंदर काम करता है, E24 जो कि म्यूज़िक चैनल है ये काम करता है, रेडियो धमाल जो FM चैनल है ये काम करता है, दर्शन 24 जो भक्ति के चैनल है इसमें काम करता है। तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कैटेगरी में इनके न्यूज़ चैनल है और इनकी पब्लिसिटी बढ़ते जा रही है। तो लोगों का इनके लोग इनके चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद करें, स्पेशली News24 जो न्यूज़ की खबरें आती हैं। एक बहुत अच्छा चैनल है, हिंदी का चैनल, जिसको बहुत सारे लोग देखते हैं। तो ये जो स्टॉक है, इसकी अभी करंट वैल्यू जैसे मैं आपको बताया 5.85 रुपये की है, और एक महीने में देखूँगे तो 5% पॉजिटिव दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 6 महीने में इसने 32% की पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 साल में अगर देखा जाए तो 51% की पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 रुपये से लेकर इसका शेयर लगभग 10 रुपये तक गया था और 5 साल में 18% की पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे तो इसने 2007 को इसने अपना हाई लगाया था 94 रुपीज़ का, और तब से इनका डाउन चल रहा है। परंतु अभी कुछ समय से इसके जो क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण ये शेयर जो एक बोल सकते हैं कि डाउन था, उसके कारण ये शेयर अभी 10 रुपये का वैल्यू टच किया है। और अगर ये अपने ऑल टाइम हाई नहीं तो भी अगर उसके आधे को टच करता है 25 रुपये तो भी करंट प्राइस आपको 5 गुना फ़ायदा दे सकता है। तो इसके पहले पैरामीटर की बात करते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या पोजीशन है, क्योंकि माइक्रो कैप में 116 करोड़ है और वैल्यू भी 5 रुपये तो पेनी स्टॉक ही है। दूसरी बात है, ये बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आप देख सकते हो इंडस्ट्री पी से इसका भी कम है, बुक वैल्यू से भी इसका करंट वैल्यू बहुत कम है, जो कि दिखाता है कि आगे तो बढ़ेगा ये चैनल, क्योंकि इसकी पब्लिसिटी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो लोगों के इसके कारण रुझान होगा, इनका TRP और बढ़ेगा, तो इसके कारण इसका जो रेवेन्यू वो भी बढ़ेगा। डेबिट टू इक्विटी से जीरो बोल रहा है, कर्जा तो कुछ भी नहीं है, जबकि रिजर्व 104 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इंट्रेंसिक वैल्यू का डबल से थोड़ा कम है इसका, लगभग 1.8 टाइम्स है, तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं भागा है। तो ये दिखाता है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आगे बढ़ने का, तो अच्छी बात है। और दूसरी बात, इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, अगर आप देखोगे तो ब्रॉडकास्टिंग से इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू 98% आता है, FM चैनल जो आता है उसे 1%, और ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन जो है, जो कि आवाज़ देने का काम करता है डबिंग का, उसमें से 1% आता है। कंपनी तो अच्छी दिख रही है। क्वार्टर रिजल्ट में बात करते हैं, देखो क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो अभी हम जैसे पिछले 4-5 क्वार्टर के देखते तो पहले जो निगेटिव आ रहा था सबके सब पॉजिटिव आ रहा, और पॉजिटिव ऐसा कि सब वैल्यू डबल कर दिया है इसने पिछले 5-6 क्वार्टर में, परंतु मार्च के क्वार्टर में एकदम ही कम था। जिसमें जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो क्या है कि इसने पूरे क्वार्टर तो अच्छे थे, लास्ट क्वार्टर में इसका वैल्यू निगेटिव नहीं गया, पॉजिटिव रहा, परंतु अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर है, ये तो 2 क्वार्टर पहले का है, मार्च का प्रॉफिट दिखा रहा है, परंतु अभी जून जो लास्ट क्वार्टर है उसका जो आने वाला है रिजल्ट, वो कब आने वाला है, 26 जुलाई 2022, यानी अभी जस्ट कल ही इसका रिजल्ट आने वाला है। तो आपको इस शेयर के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है और कैसा प्ले करना होगा, तो बहुत इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। कल अगर जिसने खरीद के रखा है तो उसको तो ऑब्वियसली ध्यान रखना चाहिए, न्यू एंट्री वाले को भी थोड़ा देखना चाहिए। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो इसका जो प्रॉफिट प्ले जो 26 था, फिर 32 हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर 32 गया, फिर कम हुआ, और अभी देखो 4 से 20 ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका प्रॉफिट कितना भागा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट ऊपर 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 भागा है। तो और अगर हम CAGR कंपाउंड ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट पिछले 3 सालों का अच्छा है, परंतु 10 साल का कम है, क्योंकि अगर हम इसके शेयर प्राइस देखें तो 10 साल में तो ये बहुत ही डाउन रहा है, परंतु अभी पिछले जैसे मैं आपको बताया पिछले 1 साल में इसने काफ़ी अच्छा दिया है, 1-2 साल में रिटर्न। तो इसके कारण इसका जो रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स से काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टर की बात करें तो बहुत पेनी स्टॉक है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग सिर्फ 40% है, जबकि पब्लिक होल्डिंग 53% है, क्योंकि देखा अच्छी बात है इसमें। और अगर आप इसमें NSE और BSE में भी अगर इसमें क्वांटिटी देखते हो तो लगभग 70% की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 29 ट्रेडेड हुआ है और 21 डिलीवरेबल क्वांटिटी, 70% BSE में हुआ और लगभग 68% NSE में हुआ है, 188,000 शेयर्स क्वांटिटी ट्रेड हुई है, डिलीवरेबल 128,000 क्वांटिटी का ट्रेड डिलीवरेबल हुआ है।
तो क्वांटिटी तो 60-70% अगर 60-70% क्वांटिटी उठाई जा रही है, इसका मतलब अच्छा ही पेनी स्टॉक के लिए। अगर ट्रेंड लाइन में देखोगे तो 100 में से इसको 63% 63 पॉइंट दिया गया, जो कि मॉडल ही बुलिश बोला गया, नहीं बोला गया कि अभी ये ज़्यादा बुलिश नहीं परंतु थोड़ा कम बुलिश है, पर ठीक ठीक ठाक है, एकदम कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। और 6 पॉइंट इसके स्ट्रेंथ को दिया, 3 पॉइंट वीकनेस को दिया। और अगर इसको बोला कि चेकलिस्ट देखा जाए तो 11 पॉजिटिव पॉइंट और 11 नेगेटिव पॉइंट, एंड टोटल न्यूट्रल टाइप का काम एनालिस्ट का बोला है कि ये पूरा टोटली न्यूट्रल टाइप का स्टॉक है। तो अब बात आती है कि इसमें हमको क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि कल इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों इसमें जिसने भी उठा के रखा है माल उसको तो रखना ही चाहिए, मैं तो बोलता हूँ उसको रखना ही चाहिए, क्योंकि 5 रुपये ये स्टॉक अपने 10 रुपये के वैल्यू को टच किया था और तब से डाउन पे चल रहा है। और अगर आप देखोगे 1 साल से इस स्टॉक ने ये 4 रुपये का जो बैंड है उसको तोड़ा नहीं है। आप देख सकते हो जनवरी दिसंबर 2021 से इसे पिछले 6 से 8 महीने के बीच में जो 4 रुपये के बैंड है इसको कभी भी इसमें नीचे नहीं आया, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी अगर जिससे भी खरीद कर का 4-5 रुपये में 4-4.5 रुपये में तो उसको तो लेना उसको रखना ही चाहिए। और ये शेयर इसका अगर कल क्वार्टरली रिजल्ट 1 करोड़ हुआ था, अगर क्वार्टरली 2 करोड़ अभी 3 करोड़ आता है तो ये स्टॉक यहाँ से आपको 8 रुपये तक तो आराम से दिखाई देगा। श्योर शॉट आपको हो सकता है कि धीरे धीरे चले, क्योंकि अभी आप देख सकते 2020 के बाद ये 2 रुपये में तो कभी आया ही नहीं, ये धीरे 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 ऐसा बढ़ रहा है। आप देख सकते इसका जो मैनेजमेंट वो अच्छा है, तो ये स्टॉक अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2 रुपये का स्टॉक जो पहले 2019 में 2 रुपये का था वो बढ़ के 10 रुपये पहुँच गया है 2022 में, एक आपको 2 साल के अंदर इसने 5 गुनी का रिटर्न बना के दे दिया है। तो अगर आप इसको और होल्ड करते तो मुझे लगता है कि यहाँ से 25-30 रुपये तक भी जा सकता है, परंतु उसके लिए ऐसा नहीं कि ये आपको 1 से 2 क्वार्टर में दिखा देगा, हो सकता है कि 2 से 3 साल आपको ये स्टॉक होल्ड करके आपको 25-30 रुपये दिखा सकता है। तो अभी बहुत सही वैल्यू सही टाइम है इसमें एंट्री करने का। और अगर कल का क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आता है, अच्छा आया तो मेरे को लगता है ये 7 से 8 रुपये तो आराम से दिखाएगा, और अगर कल ख़राब आता है तो अगर इसमें 4 रुपये का वैल्यू अगर कहीं पर टच करता है ये, जैसे कि आपको बता कि देखिए अगर देखें यहाँ पर देखोगे 4.40 रुपये, 4.80 रुपये, तो अगर ये 4 रुपये के करीब आता है तो आप इसमें पोजिशन बनाइएगा। और इसको कम से कम नहीं तो भी लॉन्ग टर्म कम से कम बोलिए तो 4 से 5 साल तो होल्ड कर कीजिए कम से कम। तो ये स्टॉक को आप देख सकते हो कि 2019 में जो 1.90 रुपये का था वो धीरे 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 बढ़ते हुए आराम से आपको 10 रुपये तक गए। तो आपको कहीं कम से कम अगर 3 साल का भी नज़रिया पकड़ते हो तो भी आपको 4 से 5 गुना आराम से बना के देंगे। और अगर निगेटिव आता है तो आप 4 रुपये में पोजिशन बनाइए और होल्ड कीजिए, तो आपको श्योर शॉट फ़ायदा बना के देगा। क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर आपका रुझान तो होना चाहिए, परंतु क्वार्टर रिजल्ट का असर इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, ऐसा शॉर्ट टर्म में नहीं बनेगा कि ये रॉकेट की तरफ बढ़ गया और रॉकेट की तरफ गिर गया। वैसे 10-20 पैसे का ये पेनी स्टॉक नहीं है, पेनी स्टॉक काफ़ी अच्छा है, अंडर वैल्यूड है, और इसके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखे तो अच्छा ही है। तो मुझे लगता है कि आप खरीदें इसे और थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्ले करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा बना के देगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।